जब मैं और अनीता पहली बार हमने हमारा रिलेशनशिप फॉर्मलाइज किया था, अनीता का पूरा सर आके वो ठाक करके मेरे फेस पे लगा था। एक मोमेंट के लिए इतना गुस्सा आया था। आजकल के लड़के हाय अल्ले कैसे हैं दीवाने। और शादी के शुरू शुरू में बहुत चीजें बना के खिलाता था। अब तो सलमान खान, आखिरी सलमान खान। हाय, मैं हूँ अनीता। और मैं रोहित। और आज आपको बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें हमारे बारे में पता चलेगी कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। तैयार है? ओके, तो शुरुआत अनीता जी आपसे करते हैं जी। एक झूठ जो मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ। एक झूठ जो मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और मैंने MBA किया है, मैंने डॉक्टर का कोर्स किया है, साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ। रोहित जी आप बताएं। मैं बोलना चाहता हूँ मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं एकदम गवार हूँ मैं एकदम, बट वो काफी झूठ है। ओके अनीता, जब मैं 15 साल की थी, मैं बहुत शांत थी, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करती थी, और तभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी और एक्टर बनूँगी। जब मैं 15 साल का था, मैं काफ़ी बदमाश था, मैं गोवा में था और मैं हर रात घर से स्नीक आउट करके पार्टी करने जाता था। आज भी मुझे वो दिन याद है। जब मैं स्कूल से वापस आती थी और सो जाती थी और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी, टेंशन नहीं होता था, बस पढ़ाई करनी होती थी, जो मैं ज़्यादा दिल से नहीं करती थी पर ट्राई करती थी। लेकिन वो जो एक पीस ऑफ माइंड था, जो हम बचपन में ना डर, किसी चीज़ की परवाह नहीं और खुशी खुशी जीते थे, वो मिस करती हूँ। आज भी मुझे वो दिन याद है, 21 जनवरी 2010, जब मैं और अनीता पहली बार हमने हमारा रिलेशनशिप फॉर्मलाइज किया था। ओके अनीता, लास्ट टाइम मुझे गुस्सा आया था क्योंकि मुझसे स्टेप नहीं हो रहा था और मैं अपने कोर को नहीं संभाल पाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोहित पर मुझे वेट डालना पड़ता है और वो ज़्यादा तकलीफ से गुजरता है मेरे वीकनेस के वजह से। कल ही मुझे बहुत गुस्सा आया था जब एक स्टेप कर रहे थे और अनीता को मैं उठाने वाला था और अनीता का पूरा सर आके वो ठाक करके मेरे फेस पे लगा था। एक मोमेंट के लिए इतना गुस्सा आया था। थैंकफुली कुछ सूझा नहीं, आई वाज सूझ जाता भी। और मजा आता। बहुत गुस्सा आया था। अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद एक हाउसवाइफ होती। 3-4 बच्चे होते मेरे, क्योंकि मेरी बहन की शादी हो चुकी थी जब वो 19 या 20 साल की थी, एंड तभी मेरे फैमिली का वही एटमॉस्फेयर था कि जल्दी शादी करा देते थे। तो अगर मैं एक्टर नहीं होती तो डेफिनेटली मेरी किसी और से शादी हो गई होती और बहुत सारे बच्चे होते। मैं तो एक्टर ही नहीं हूँ, क्वेश्चन मेरे लिए वैलिड ही नहीं है। अगर मैं डांसर नहीं होता तो? मैं वैसे ही डांसर नहीं हूँ, बट मैं अगर मैं इतना भी डांस नहीं कर रहा होता तो मैं नच के लिए बिल्कुल नहीं साइन कर रहा होता। लास्ट बार मैं बहुत जोर से हंसी थी, क्योंकि पिछली बार जब मैं जोर से हंसी थी वो अभी था सेगमेंट में, क्योंकि रोहित को एक भी हुक स्टेप नहीं पता और वो इतने सारे बेहुदा डांस स्टेप्स कर रहा था, तो मैं बहुत हंसी थी। मैं भी अपने खुद पे हंसा था जब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मेरे दिमाग में सब हुक स्टेप सेम ही हुक स्टेप लग रहे थे। आजकल के लड़के हाय अल्ले कैसे हैं दीवाने, कितना मुश्किल है तौबा इनको समझाना के धीरे धीरे दिल कुछ जवाब नहीं है। आजकल की लड़कियां बहुत ही एडवांस हो गई है, लड़कों से 10 कदम आगे चली गई है, विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड वेरी प्रोग्रेसिव। आज मैंने खाने में सबवे खाया। बहुत ही सैड खाना तो पिज्ज़ा था, लेकिन आजकल मेरी डाइट को मेंटेन किया जा रहा है क्योंकि 24 घंटा साथ में रहते हैं तो पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं होता, सबवे ऑर्डर होता है। मुझे मेरे फेवरेट को स्टार करण पटेल की ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है
कि वो हर शॉट से पहले जब मेरा कोई इम्पोर्टेंट शॉट आता है वो मुझे हंसा देता है, कोई बेहुदा जोक क्रैक करता है और मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। करण पटेल की मुझे भी एक बहुत ख़राब बात लगती है कि वो हर दूसरे दिन मुझे गिफ्ट देने आ जाता है घर पे, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देता है, मुझे पता नहीं क्यों देता है और किस लिए देता है। आई थिंक आई हैव टोल्ड टू गिव हिम समथिंग बैक, पर बहुत गिफ्ट देता है वो। मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अगर किसी के लिए कुक करूं यानी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूं एंड वो पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल। मुझे कुक करना बहुत पसंद था बट अभी आई थिंक थोड़े लेजी हो गए हम, बट आई थिंक वापस करना चाहिए। वापस तुम्हें करना चाहिए। मैं को डेफिनेटली करना चाहिए। आई एम अ वेरी गुड कुक। मैं बहुत आई एम अ वेरी गुड कुक। और शादी के शुरू में बहुत चीज़ें बना के खिलाता था, अब तो बहुत अच्छा। आई विल स्टार्ट अगेन। मेरा पहला क्रश तो सलमान खान, आखिरी सलमान खान। मेरी पहली क्रश गोवा में थी, मेरी सीनियर थी और वो क्रश ही रह गई, उसने मेरे को मेरे तक देखा भी नहीं था। तो मैं क्रश कर क्रश दिया। कर दिया था मेरा, मेरे क्रश को क्रश कर दिया था। मेरे बारे में ये बातें पता ही होनी चाहिए आपको। मेरे बारे में ये बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं मूडी हूँ, मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, मुझे अपने हस्बैंड को तंग करना अच्छा लगता है और मैं अपने फैमिली और अपने डॉगीज़ और अपने पति से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं एक काफ़ी इमोशनल बंदा हूँ और जिस चीज़ पे भी मैं अपना दिल लगाता हूँ वो मैं पूरी दिल दिमाग से करता हूँ। एंड आई लव माई फैमिली एंड माई वाइफ। मैं अपने बारे में ये अफवाह फैलाना चाहती हूँ कि मैं नच बल्ले जीत चुकी हूँ और मैं दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर हूँ और मैं सो यू थिंक डांस में चली गई हूँ डांस करने। मैं अपने बारे में ये अफवाह फैलाना चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन सर मेरे पास आते हैं डांस क्लासेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वर्कआउट के लिए। नहीं डांस वो अफवाह है, वो तो उधर नहीं ले सकता ना। डांस का अफवाह मेरे लिए सूट होता है, तुम्हारे लिए जिमिंग का सूट होता है। दैट्स व्हाई इट्स एन अफवाह। बातों बातों में हमने आपसे काफी कुछ कह दिया और आपसे वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको मजा आया हो तो बातों बातों में ये जरूर शो देखें और सब्सक्राइब करें हिंदी राश।